इनिशिएटेड द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑलरेडी, आपके पास भी शायद स्क्रीन के ऊपर वो शो हो जाएगा। और या सो जस्ट वॉन्टेड टू लेट एवरीबडी नो, नाउ द सेशन हैज बिन स्टार्टेड एंड आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। ओके, आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन बी कंसनट्रेटिंग ऑन। और थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है या फॉर्चुनेट है, आई डोंट नो, वो ये हुआ है कि इन द मीन टाइम मुझे थोड़ा सा टाइम मिला ऑर्गेनाइज में, डिसऑर्गेनाइज तो था ही लेकिन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी हुआ। लेकिन कुछ देन आई थॉट ऑफ सर्टन असाइनमेंट सॉर्ट ऑफ फॉर यू गाइज, के जिसमें ब्रेन वर्क ज़्यादा है, हैंड वर्क कम या लेबर कम है। बट दिस इज़ समथिंग मैं पहले से ऑन सेट से ही आपको मैं एडवाइज कर रहा हूँ, और वो आज के सेशन के बाद के लिए है और जस्ट फॉर द सिंपल एक्सरसाइज। And this exercise will pay off at the end of, let's say, the course, or maybe during the course, or something like that. Or जो भी आप में से चंद लोग, they are trying to be concentrating on कि ये कहाँ से ज़्यादा बेहतर हमें MMR mixed method research की applications या इसकी की direction जो है, maybe more geared towards आपको support करेगा अगर आप अपने कोई research paper या अपना कोई भी academic work जो है उसकी shape देना चाहते हैं, तो definitely जो exercise मैंने आज डिवाइस की है वो फिर ज़्यादा मैं चीज़ें आपके लिए अवेलेबल करूँगा आज रात तक या कल सुबह तक, तो डेफिनेट गूगल क्लासरूम के अंदर आई मेक इट अवेलेबल, लेकिन आज आपसे डिस्कस जरूर कर लूँगा। तो सिर्फ आपको ये सिर्फ एक चीज़ मैंने ये भी बतानी थी, ऑफकोर्स जो आज की प्रेजेंटेशन है या जो वीडियो है ये भी आई मेक इट अवेलेबल गूगल क्लासरूम आई मेक इट। अभी मैंने नहीं बनाई हुई है लेकिन आई डू दैट बिकॉज द अदर थिंग्स आर गोइंग ऑन इन द मिडल। अब मैं सुबह मॉर्निंग की क्लास लेकर आया, उसके बाद जुम्मे की नमाज पढ़ाने के बाद आई फ्रॉम अनदर क्लास, एंड उसके बाद फिर आप लोगों की क्लास के बाद देन जाहिर बाहर की दुनिया जाग रही होती है पाकिस्तान से बाहर, तो देन आई हैड अनदर टू आवर्स मीटिंग विद समबडी एल्स। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम बहुत टाइट स्केड्यूल है, बट इवेंचुअली आई ट्राई टू गेट एंड गेट द मैक्सिमम जो हमारे लिए बेहतर होगा वो वी लाइक टू गो विद दैट। ओके, now on the other hand let's try to preamble zyada us pe nahi hum jate hain, and we'll try to focus on that. I'll share you my screen, aur aap mein se koi bhi ek shakhs mujhe feedback de dega ki yes we can see the title screen and everything, that will be much better, then I can move on, because usually so Can you see my title screen now? जी सर, आपकी नजर आ रही है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। स्क्रीन नजर आ रही है, देखिए आवाज आपकी प्लीज स्लो है, थोड़ा सा अगर आप काइंडली लाउड बोल दें। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच फॉर हाईलाइटिंग दिस। सो मे बी माय माइक इज नॉट, ओके is my voice is more audible now, better than before? Acha challenge, thank you very much. So mixed method research, and like this is what we will try to I'll try to give you an overview. Time maine baral for usko 6 se 9 hi rakha hua hai, lekin us mein let's see ke how far we can go on this. Aur overview pehle main dena chahunga, but this is not the first chapter, it's just the beginning. And like actually what is there in this course, aur ye course kyunki first time introduce bhi kiya hai, and aur isme course ke andar jo cheeze hain jo seekhne wali hain hamare liye, wo management ke perspective se, especially business management ke perspective se jo hai wo kuch cheeze bahut improved halat mein ab dekhne mein nazar aati hain, aur bahut sare platform ke upar jo hai wo ab research papers aur bahut sari cheeze jo hain wo hame इसके अंदर एप्लीकेशन हो जाती है। वैसे तो बहुत अरसे से काम चल रहा है, लेकिन चूंकि फोर फ्रंट के ऊपर ज़्यादा इतना ज़्यादा इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, या इसकी इंपॉर्टेंस को ज़्यादा वो नहीं किया जाता था, इंपॉर्टेंस को सिग्निफिकेंस नहीं हासिल थी, या इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है वो उसको शायद अंडरमाइन किया जाता था, तो उसकी वजह से वो जो है बिजनेस मैनेजमेंट में या दूसरी साइंस के अंदर मेडिसिन में या इस तरह को तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन थी, लेकिन बिजनेस साइंस के अंदर काफ़ी देर से जो है वो इसका इनिशिएशन हुआ, और उसके बाद फिर वहाँ से दूसरे लोगों ने या दूसरे
रिसर्चर्स हैं, फिर उन्होंने इसको टेक ऑन किया, और उसके बाद वहाँ से फिर जर्नल्स की भी कमी थी, वन अदरवाइज ये पहले एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और देयर अदर लाइक गुड जर्नल्स, और वो इसमें जो जर्नल्स के अंदर थे उनके अंदर जो है मिक्स मैथड का कॉन्सेप्ट या मिक्स मैथड की रिसर्च को एक्सेप्टेबल करार दिया जाता था, अदरवाइज दूसरे जर्नल्स के अंदर वो आमतौर पर एडिटर्स या दूसरी चीज़ों को वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। देन और भी बहुत सारी चीज़ें, तो मिक्स मैथड जो भी हम पढ़ेंगे वो दैट इज़ फ्रॉम द बिजनेस परस्पेक्टिव, और बिजनेस परस्पेक्टिव के लिहाज से ज़ाहिर है इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज या कुछ लोगों के नाम ज़रूर आएंगे, आज नहीं वैसे ड्यूरिंग द कोर्स, और उस कोर्स के अंदर पे ज़ाहिर है ये चीज़ें हम देखेंगे कि जो मेडिसिन के अंदर दे हैव वर्क वेल, बट एक्चुअली दे हैव बिल्ड अप द फ्रेमवर्क फॉर मिक्स मैथड रिसर्च। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि एक इस कोर्स के लिए भी ऑब्जेक्टिव ये था कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जो है या क्वांटिटेटिव साइड ऑफ आर रिसर्च जो ऑलरेडी आप लोग माशाल्लाह और जो यूज टू भी हैं और आपने देखा हुआ भी है और बाद लोग इस शायद इस काम में इन्वॉल्व भी हैं, मे बी एट द सुपरवाइजरी लेवल और मे बी एट द टीचिंग लेवल, सो वो ऑलरेडी इन्वॉल्व भी हैं क्वांटिटेटिव मेथड से, दे आर फेमिलियर विद इट। लेकिन मिक्स मैथड रिसर्च के अंदर जो एंगल या परस्पेक्टिव वो है डेफिनेटली दैट्स द इंटीग्रेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो मिक्स मैथड रिसर्च को यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं और लाइक पहले से या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर प्राइमरीली जो है वो एच ई सी की तरफ से भी कोई गाइडलाइंस होती हैं, लेकिन अगर नॉन एच ई सी या दूसरे भी कहीं हैं तो लोग उसको जो ए क्यू टी एडवांस क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स और फिर समटाइम्स ए क्यू टी अगेन अनफॉर्चुनेटली विदाउट डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन क्वान्टिटेटिव एंड और जो ये वाला क्यू जो है वो क्वालिटेटिव कैसे आएगा, तो एडवांस क्वालिटेटिव टेक्निक्स कई लोगों ने जो है वो एम फिल लेवल के ऊपर क्वालिटेटिव को रखा हुआ है और उसके बाद जो है वो पी एच डी लेवल के ऊपर क्वान्टिटेटिव को रखा हुआ है, वेरी स्ट्रेंज बहरहाल, लेकिन समटाइम्स वो शायद उसकी एडजस्टमेंट होना ज़रूरी है। देन इट अकर्ड दैट के हमें शायद मिक्स मैथड रिसर्च की कॉम्बिनेशन के साथ हमें अगर एक बेहतर ट्रीटमेंट अगर स्टूडेंट्स को एक डिलीवर किया जाए और जिसमें वो अडेप्ट और फिर उसके बाद अडॉप्ट अगर वो आसानी से कर सकें तो वो बहुत बहुत आसानी से जो एसिमिलेशन है या उसकी एब्जॉर्प्शन है कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और वो बहुत आसानी से उसको एब्जॉर्ब करके और फिर उसको वो डिलीनिएट कर सकते हैं, मे बी दे कैन पुट अ गुड डायरेक्शन टू इट। सो मिक्स मैथड रिसर्च जो फिर हमने मिक्स मैथड रिसर्च के अंदर इंटीग्रेशन या क्वालिटेटिव पार्ट तो है ही और इंटीग्रेशन और क्वान्टिटेटिव का पार्ट है, लेकिन हम इसमें क्वान्टिटेटिव एस्पेक्ट जो है वो बहुत थोड़ा सा हमने इसको शायद ब्रशअप करें, हम इसको इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, वील फोकस ऑन क्वालिटेटिव और फिर क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ फिर क्वान्टिटेटिव का भी कॉम्बिनेशन और उसको इंटीग्रेट कैसे होता है, ये मिक्स मैथड का हिस्सा है। ज़रा ये मैं क्लियर कर दूँ कि मिक्स मैथड में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों काम का फिर इंटीग्रेशन और फिर वो मिक्स मेथड रिसर्च में वो अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी तो जस्ट द टाइटल स्लाइड इज देयर। इसके साथ पर देन वी थॉट के हाउ अबाउट इफ वी ट्राई टू गिव अ गुड सर सॉरी टू इंटरप्ट यू सनिया इज इन लॉबी, शायद आप अगर कर सकें उनको इन कर सकें, आप चेक कर सकते हैं। आई गो आई विल चेक मे बी व्हाट आई हैड डन, सनिया वाज हियर, एक सेकंड जरा रुकिएगा। I don't think so. Ji Sankep, would like to say something? Anil Kumar? Sir, basically, मैं question ये करना चाह रहा था, mixed method जैसे हम जब से भी university में भी हमने research courses पढ़े हैं at BBA level, so उसके अंदर भी हमें usually यही कहा जाता था कि किसी भी रिसर्च की बेस बनाने के लिए पहले क्वालिटेटिव रिसर्च की जाती है एंड देन फिर उसको फर्दर उसके रिजल्ट को मास लेवल पे चेक करने के लिए क्वांटिटेटिव के थ्रू जो है उसको कंफर्म किया जाता है। सो मिक्स मेथड रिसर्च तो आई थिंक जो है ये फ्रॉम मतलब वेरी लॉन्ग ये एक चीज इस्तेमाल होती हुई आ रही है, व्हाई इट इज गेटिंग मोर इम्पोर्टेंट दीज डेज। या यू आर वेरी राइट, और इसमें मैं अभी आपके सवाल का मैं जवाब ज़्यादा बेहतर अंदाज में देने की कोशिश करता हूँ और उसमें कुछ चीज़ें हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी हैं। सही है, तो मिस रक्षिंदा आई बिलीव मिस सनिया इज़ नॉट देयर बिकॉज मेरे पास यहाँ पे इट्स नॉट शोइंग के लाइक शी इज़ वेटिंग आउटसाइड द रूम।
सर जी मैं उनसे बात करती हूँ, शायद कुछ और आप एरर बात आ रहा करते हो। हैं? हाँ, कोई और एरर है? बिकॉज आई सॉ हर लॉगिंग इन एंड देन जी आई डोंट जी नो सम हाउ शी। वो डिस्कनेक्ट हुआ, फिर दोबारा लॉगिन नहीं हो पा रहा। अच्छा, कैन यू प्लीज हैव इट चेक अगेन? जी जी बिकॉज मैं देखती हूँ। व्हाट आई डिड वाज, जो सेटिंग मैंने रखी हुई है, मैं उसके एक नज़र दोबारा भी मैं देख लेता हूँ। और प्लीज बिकॉज लेट मी, या आई थिंक आई लेट एवरीबडी इन, बिकॉज लॉबी को बाईपास करने के लिए जो है वो मैंने उसको अलाउ किया हुआ है। तो जी, वो ट्राई कर रही हैं सर अपने एंड पर, आप फाइन, कंटिन्यू कर लें। अच्छा ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। यू वेलकम। अच्छा सॉरी, आप सवाल साकिब आपने किया था। साकिब, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी से दिस थिंग, ये लाइक जो क्वालिटेटिव है वो इसका बेसिस और फाउंडेशन है। दिस इज नॉट द केस, अगेन दिस इज नॉट द केस। मैं अब उसकी वजह बता देता हूँ, और ये एक्चुअली इसकी जन्मभूमि इस स्टेटमेंट की क्या है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। होता यह है कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर इट इज़ मच क्लोजर टू द फिलोसॉफिकल स्टैंड और जो एपिस्टीमोलॉजी या ऑन्टोलॉजिकल स्टैंड है, जो आमतौर पर रिसर्चर का हुआ करता है, तो उसके अंदर ये स्टैंड बहुत वाजे तौर पे क्वालिटेटिव के अंदर ये उभर के सामने आता है। और आमतौर पे ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर क्वालिटेटिव वर्क के अंदर ये स्टैंड चूंकि ज़्यादा करीब नज़र आता है, तो लोग आमतौर पर इस स्टैंड या फिलोसॉफिकल जो उनका अपना पर्सपेक्टिव है उसको डिफाइन करने के लिए, ज़ाहिर है वो ज़्यादा रेटोरिक या इन अ पॉजिटिव वे वो आमतौर पर उसको एक्सप्लेन करते हैं। दिस वॉज दी मेन ऑब्जेक्ट, मेन जो एस्पेक्ट है जिसको वो ज़्यादा बताया जाता है कि ये एक्चुअली क्वालिटेटिव इज़ द फाउंडेशन, और क्वालिटेटिव फाउंडेशन के साथ जो है वो उसका बेसिस उसका डेवलप होता है। अब मिक्स मेथड रिसर्च के अंदर वो बहुत पहले से है, बट सी द न्यू परस्पेक्टिव इज़ कि इसकी सिग्निफिकेंस आजकल इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि जो एस्पेक्ट मिसाल के तौर पे जो चीज़ अब आप करते क्या हैं कि जब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करने के तीन फ्रेमवर्क्स हैं जो आज मैं डिफाइन भी आपको करूँगा मिक्स मेथड का ओवरव्यू देने के लिए। और वो तीन फ्रेमवर्क के अंदर एक्चुअली हर एक का पर्पज़ है, और हर एक का पर्पज़ के लिए पर्पज़ सर एक जो सवाल है, तीनों, जी अगर मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो फिर लेट बी ओके, फिर मैं आपकी बात भी ले लूँगा हसनी साहब, या आप चाहेंगे कि मैं आपका ठीक है पहले सर, सवाल ले लूँ? थैंक यू वेरी मच। जी अच्छा, थैंक यू वेरी मच। तो उसमें आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी अच्छा, ये बैंडविड्थ का असल में मेरे ख्याल है मैंने माइक तो बहुत अपने करीब रखा हुआ है, और आई डोंट थिंक सो, क्योंकि यूजुअली, चले मैं इसको फिर भी देख लेता हूँ, ट्वीक करता हूँ, तो कि देखते हैं कि क्या हो सकता है। अच्छा, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि ये जो मिक्स मेथड रिसर्च है और इसकी जो परस्पेक्टिव या इसकी नई जो उस पर इंटीग्रेशन के साथ साथ उसको सब्सटैंशिएट किया जाता है रिजल्ट्स को, इस पे देर इज़ नो सच थिंग एज सुपीरियर के एक सुपीरियर है दूसरा जो है इन्फीरियर है। मिक्स मेथड रिसर्च का जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अरसे 20-25 साल से इस पे काम कर रहे हैं, तो उनका जो ऑब्जेक्टिव या प्राइमरी कंसर्न था कि हम कैसे एक रिजल्ट को सब्सटैंशिएट करते हैं दूसरे रिजल्ट से, और फिर इसके अंदर देर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगुलेशन। अब वो ट्राइंगुलेशन के अंदर थ्री हॉर्न्ड डिलेमा बाय मैक जो है वो इसको डिस्कस किया जाता है, कि वो फिर एक अलहदा एक रिसर्च पेपर है, रिसर्च पेपर के अंदर उसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से स्कैंडूरा ने आमतौर पर 2000 का पेपर है उसके अंदर उसने डिस्कस किया हुआ है अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। तो उसके अंदर वो जो ट्राइंगुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि आप क्या करें कि आप अपने ही रिजल्ट को सब्सटैंशिएट करें या इसको रिकन्फर्म करें, तो उसमें देर इज़ नो सच थिंग एज के आई एम नॉट इवन एडवोकेटिंग, आई एम नॉट इवन सजेस्टिंग कि आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू था साकिब सर, लेकिन उसमें जो जो मिक्स मेथड रिसर्च के अंदर जो एंगल बताया गया उसमें यह है कि आप एक रिज़ल्ट को चाहे आप क्वालिटेटिव पहले शुरू करें, फिर उसके बाद उसको क्वांटिटेटिव से सब्सटैंशिएट करें, फिर दूसरा मेथड है, इसमें हायरार्की ज़रूरी नहीं है इस तरह से, और फिर दूसरा है कि क्वांटिटेटिव अगर काम पहले कर लेते हैं तो फिर उसको क्वालिटेटिव से सब्सटैंशिएट करें, और फिर तीसरा मेथड है कि दोनों को बैक वर्क शुरू करें, और फिर दोनों को बैक वर्क शुरू करने के बाद आखिर जाके बीच में कहीं इंटीग्रेट करें और एक दूसरे को सपोर्टिव मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करते हुए फिर एक दूसरे के रिजल्ट्स को काउंटर चेक करें या सब्सटैंशिएट करें, एंड देन यू कैन कंटिन्यू। तो दैट्स अल्टीमेटली द मेथड और द ऑब्जेक्टिव इज़ टू सब्सटैंशिएट के रिजल्ट्स या ज़्यादा बेहतर तौर पे आ रहे हैं, ज़्यादा मीनिंगफुल हैं, और जो रिसर्च है उसका रिगर ज़्यादा हो जाए। तो उसमें बार बार जो एप्लीकेशन है या जो कहते हैं स्पूरियस रिजल्ट या सुपरफिशल या
सुपरफ्लूस जो उसके एस्पेक्ट्स हैं वो ज़्यादा सामने जाहिर ना हो, बल्कि बहुत ज़्यादा जो डीप रूटेड या मीनिंगफुल एस्पेक्ट्स हैं वो जाहिर हो. तो दैट वॉज द एक्चुअली पर्पज कि मिक्स मेथड रिसर्च को एक दूसरे के रिजल्ट को सब्सटैंशिएट करने के लिए इस्तेमाल किया गया. दिस वॉज वन पॉइंट. जी आई होप आई हैव क्लेरिफाइड द आंसर साकिब साहब. इफ यू कैन अलाउ मी देन आई कैन गो टू हसनी साहब. जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच. यू वेलकम. जी अली हसनी साहब, आई एम रेडी टू टेक ऑन योर क्वेश्चन. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू वेरी मच सर. आपने जिक्र किया था कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसके लिए हमें एपिस्टेमोलॉजी और ओंटोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है. मेरा ख्याल है कि हमारी क्लास में, क्योंकि मैं क्लास में जानता हूँ अपने दोस्तों को, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप इसे दोहरा देंगे कि ये बेसिकली ओंटोलॉजी एपिस्टेमोलॉजी एक्चुअली है क्या और रिसर्च में इनकी क्या जरूरत है, तो मेरे ख्याल में आइंदा आपको हमेशा हम सबको आसानी होगी. बहुत अच्छा. सी उसकी एक और वजह भी है. देखें उस पर मैं, लेट मी पुट इट दिस वे, मेरा दोहराना इतना मायने नहीं रखता जितना आपका, आप लोगों का पढ़ना मायने रखता होगा. नंबर वन. सेकंड थिंग इज जस्ट अ बिगिनिंग एंड आई एम ट्राइंग टू गिव यू ऑल ऑफ यू एन ओवरव्यू. दिस इज द सेकंड पॉइंट. द थर्ड पॉइंट इज इवेंचुअली डाउन द लाइन वी आर गोइंग टू टैकल दिस. दिस इज द थर्ड पॉइंट. द फोर्थ पॉइंट इज देयर आर स्पेसिफिकली चैप्टर्स व्हिच आर कमिंग ऑन द वे व्हिच वी विल टैकल. तो अभी दिस इज अ लिटिल बिट प्रिजम्पशस कि अगर उसको हम डिस्कस भी करें और कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट मे बी टर्मिनोलॉजी से मुतारब भी हो जाए डाउन द लाइन, वो जरूर हम इसको डिस्कस करेंगे और इसके डिस्कस के बगैर हम आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे. तो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी से सिर्फ डिस्कस हो जाए, बाद में फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे. अच्छा, जैसे आप अगेन नहीं, ऐसा नहीं. उसकी वजह यह है कि टर्मिनोलॉजी में सिर्फ अगर हम टर्मिनोलॉजी के डेफिनेशन और बहुत सारी चीज़ों में जाएंगे, अभी सिर्फ जस्ट मेक फेमिलियर योर सेल्फ देर इज अ काइंड ऑफ अ वर्ड ऑफ एपिस्टेमोलॉजी एंड ऑफ कोर्स देर इज अ काइंड ऑफ एन ऑन्टोलॉजी, बट देर आर अदर वर्ल्ड ऑल्सो. तो एक्सियोलॉजी भी है और दूसरी चीज़ें भी हैं, बट वी विल टैकल अकॉर्डिंगली. कहने का मतलब है कि दुनिया की जो चीज़ें हैं, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप सबके लोगों के लिए. दुनिया की जो चीज़ें हैं वो जो हमें नज़र आती हैं, जो वर्ल्डली फिनोमेना है, उनके बारे में हमारे स्टैंड क्या है, हमें किस तरह से वो चीज़ें नज़र आती हैं, और इसका ताल्लुक लव जो थीसिस है उससे भी रिलेटेड है. क्योंकि आमतौर पे थीसिस में या थीसिस लव्स है उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है. बैकग्राउंड ये है कि कोई भी एक वर्ल्डली फिनोमेना है और वर्ल्डली फिनोमेना के साथ आपको वो, आपके पर्सपेक्टिव में वो वर्ल्डली फिनोमेना कैसे नज़र आता है, तो जो जैसा आपको नज़र आएगा but that will be your thesis. इसीलिए आप बहुत सारे लोगों से कहते हुए या सुनेंगे कि my thesis is, या मेरा जो point है, या my thesis point is, या my objective is to define according to my thesis, कि जिस तरह मैंने देखा है और उसको मैं इस तरह से देख के मैं इस तरह define कर रहा हूँ. अब उसके अंदर there are so many other things, क्योंकि philosophical stance के लिए चाहे वो ontology हो, चाहे वो epistemology हो, या उसके अंदर और दूसरी चीज़ें जो भी स्टैंड है, पर देन दे आर अदर रिसर्च पेपर्स विच आर कमिंग टू यू राइट नाउ, बिकॉज ये फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट पे बुक्स के चैप्टर्स भी हैं, दूसरे भी हैं जो आपके पास आएंगे, और उसमें अल्टीमेटली वी हैव टू ग्रेन और वी हैव टू गो एंड डाइव डीप इन टू इट. इंशाल्लाह वी विल डू दैट. इसमें सिर्फ ये है कि वर्ल्डली फिनोमेना को आप किस अंदाज से देखते हैं. अब उसमें मैं एक हल्की सी एक बात बता दूँ, रियलिज्म या रियलिटी वो हर एक को कैसे नज़र आती, या उसके अंदर सब्जेक्टिविटी भी कोई है या नहीं है, फिर उसके अंदर कंस्ट्रक्शनिज्म भी है क्योंकि उसको कंस्ट्रक्टिविस्ट की तरह देखता है, फिर उसके अंदर कोई सब्जेक्टिविस्ट है तो वो सब्जेक्टिविस्ट की तरह देखता है, फिर अगेन देन देर इज़ द पॉजिटिविज्म या पॉजिटिविटी को वो किस तरह देखते हैं, फिर उसके बाद देन देर इज अ पोस्ट पॉजिटिविज्म. देर आर सो मेनी एंगल्स टू इट. सो इफ़ यू गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर, सो दैट्स एक्चुअली दैट्स द सब्जेक्ट ऑफ अ डिफरेंट क्लास. अभी फिलहाल स्टैंसेज ये हैं कि आप दुनिया की वर्ल्डली फिनोमेना को किस जगह पे खड़े होकर चेक करते हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ द फिलॉसफी, और वो उसकी रिसर्च फिलॉसफी के अंदर आपको ये डिफाइन करना होता है, और दैट वाज इट. तो क्वालिटेटिव की रिसर्च का बहुत क्लोज लिंक है इससे. लेकिन फिर और दूसरे ऑथर्स हैं लाइक बर्रेल एंड मॉर्गन, और इन लोगों ने बहुत अच्छे से फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया हुआ है, और सॉन्डर्स एंड लुईस एंड थॉर्नहिल की बुक बिजनेस रिसर्च मेथड्स व्हिच आर यूजुअली एट द ग्रेजुएट एंड द अंडरग्रेजुएट लेवल पे भी पढ़ाई जाती है, चैप्टर 4, चैप्टर 5, और उसके अंदर आमतौर पर बर्रेल एंड मॉर्गन के डायग्राम के साथ उन्होंने बहुत एलैबोरेटिव वे में उसको एक्सप्लेन भी किया है कि एक्चुअली फिर इसके साथ अगर कोई क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव अगर काम कर रहा हो जिसके अंदर लाइक पॉजिटिविज्म की बात हो रही हो, सब्जेक्टिविज्म की बात नहीं है, जिसमें रियलिस्टिकली परस्पेक्टिव हो, जैसी चीज़ें नज़र आ रही हैं वैसे ही रिपोर्ट मैं करूँगा तो वो कहाँ जाएगा. तो दिस इज़ एक्चुअली द डिफरेंट स्टांसेज कि वो उसका क्या पर्सपेक्टिव है किसी रिसर्चर का जो उनको सामने दुनिया में कोई चीज़ नज़र आती है.
या उसको वो ढूंढने लगते हैं और उसकी वो इंटरप्रिटेशन करेंगे या नहीं करेंगे, अगर इंटरप्रेट करेंगे तो किस तरह से वो लिखें. तो दैट वॉज अ वेरी स्लाइट ब्रश अप ऑन दैट, लेकिन इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम वी विल वर्क ऑन इट और उसके बाद फिर हम ज़्यादा बेहतर तौर पर इसको डिफाइन कर सकें. I'll just request that just you're welcome. Just try to be a little enthusiastic, but on the other hand, try to have a room for that we can proceed further. Or uske baad inshallah waqt ke saath saath I'll answer all of your questions jo bhi hoga for down the line. Of hum balki zyada educated question hum bahut achhi tarah se kar payenge. Or it doesn't mean ki ye educated question nahi the, but I'm just saying it ki educated ka matlab hai ki wo zyada meaningfully deep rooted questions honge. So that's wonderful. Fine. If we can move on, and since the issue for our have been resolved, so I'll move over here. And this was the thing. And so what I'm going to do today is mixed method research ko define karne ki main koshish karunga overview. Aur yahan pe main abhi ye baat wo mukammal ye kar raha tha ki actually qualitative part जो है वो क्वालिटेटिव पार्ट पे हमने कंसंट्रेट किया कि हमें क्वालिटेटिव पार्ट आप लोगों को ज़्यादा बताना चाहिए और क्वालिटेटिव पार्ट जो बताना चाहिए उसके अंदर क्वालिटेटिव के फिर हमने वी हैव केप्ट लेट्स से द होल कोर्स को अगर डिवाइड कर दें नंबर ऑफ सेक्शंस विच नॉट एग्जैक्ट नंबर ऑफ सेक्शन बट एग्जैक्टली अ लिटिल बिट ऑफ ट्वेल्थ के ये शुरू के कुछ चैप्टर्स या शुरू के जो कुछ सेशंस हैं वो डेफिनेटली क्वालिटेटिव रिसर्च को एक्सप्लेन करने में और इसमें मेरा जो प्राइमरी फोकस ये है कि विद द एप्लीकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर और बहुत सारी चीज़ों के साथ इंशाल्लाह डाउन द लाइन वो आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा और जिसमें बेहतर एक डायरेक्शन मिले और जिसमें हमें काम की बात भी मिले और जितनी एप्लीकेशन उसकी की जा सकती हैं जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको किस तरह से किया जाएगा. ज़ाहिर है वो इट इज़ अ टाइम लाइक टेकिंग टास्क और फिर इसके अंदर फेमस ऑथर्स या जो भी दे हैव वर्क वेरी वेल इन दैट पर्सपेक्टिव और उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से लाइक क्वालिटेटिव रिसर्च में तो वो फिर रिसोर्सेज भी मैं आपसे शेयर करूंगा और डिपेंड करता है कि कौन कितना डीप जाएगा मैं उसके हिसाब से वो किताबें अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ेंगे तो आई विल ट्राई टू गिव यू द बुक्स और आई विल मेक इट अवेलेबल ताकि आप उसे आराम से फिर उसको देख भी सकें और या एटलीस्ट अपने पास रख सकें और फिर उस किताब के अंदर कोई भी काम करें तो उस किताब में से यू कैन साइट फॉर एग्जाम्पल फेमस क्वालिटेटिव की जो बुक्स हैं जिसमें क्वांटिटेटिव भी है और वो मिक्स मेथड रिसर्च तो नहीं लेकिन वो दोनों की बात है तो उसमें जो चैप्टर्स हैं वो एलन ब्राइमन और एमा बेल का बहुत ज़्यादा लोग जो है उनको प्रैक्टिस करते हैं. एलन ब्राइमन एक्चुअली डाइड बट एमा बेल इज स्टिल देयर. सो डेफिनेटली ये पर्सपेक्टिव के साथ किस तरह से वो जो उनकी इसकी डिलीनिएशन है तो वो डिलीनिएशन जो है वो अवेलेबल रहेगी और वो हमारे लिए हम उससे मुस्तफीद हो सकेंगे. ओके सो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट फर्स्ट और उसके बाद फिर जा रहा है क्वान्टिटेटिव. लेकिन आज के जो क्लास है उसका मकसद ये है कि पहले मैं ओवरव्यू आप लोगों को दे दूं और फिर उसके बाद अगली क्लास से इंशाल्लाह क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे हम लाइक द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज ऑफ फोर और फाइव क्लासेज में भी ऑन क्वान्टिटेटिव और जिसके अंदर से फिर दोबारा से कुछ चीज़ें जो हैं जिसमें फिलोसफी वाला एस्पेक्ट भी आएगा जो दोनों को कवर करेगा लेकिन वो भी जल्दी क्योंकि वो ऑन सेट में ही डिस्कस हो जाए. और हसीन साहब ने बिल्कुल सही बोला कि उसकी टर्मिनोलॉजी या दूसरी चीज़ें वो जल्दी से अगर सेट हो जाएँ इस्टेब्लिश अगर हो जाएँ तो फिर बाकी चीज़ें समझने में बहुत आसानी हो जाएगी. और बिल्कुल पर्सपेक्टिव भी यही है और ज़्यादातर रिसर्चर्स या ऑथर्स का भी पर्सपेक्टिव यही है कि उसको ऑन सेट से ही वो अगर क्लियर होना चाहिए और उसी के साथ. सो मिक्स मैथड रिसर्च एंड उसको डिफाइन करने के बाद देन वील लाइक टू गो इन टू कि क्वान्टिटेटिव रिसर्च क्या है और इट डजेंट मैटर कि क्वालिटेटिव या क्वान्टिटेटिव पहले क्या है. अगेन not any kind of hidden meaning or maybe intended sequence ya uska koi perspective hai but it is just the way ki quantitative pehle aur qualitative aur phir ye hum discuss karenge alada se bahut chote minor level pe and when to use mixed method research isko bhi hum thoda sa discuss karenge. Then there are types of mixed method research design ke kya designs hain aur wo aam taur pe three डिज़ाइंस उसके रिसर्च डिज़ाइंस हैं और वो देखेंगे. उसके अलावा भी हैं वो अभी फ़िलहाल मैंने जो तीन से के अलावा जो दो और हैं उनको मैंने आज के डिस्कशन में शामिल नहीं किया है और वो डाउन द लाइन जब हम मिक्स मेथड की तरफ आएंगे तो पाँचवें छठे सेशन तक क्या तो उसमें भी थोड़ा सा मैं उसको ओवरव्यू दूंगा देने के बाद उसको भी थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि ज़्यादातर प्रैक्टिकली जो है वो बिज़नेस में बिज़नेस फील्ड के अंदर जो है वो ज़्यादातर ये तीन मैथड्स ही डिस्कस हुए होते हैं. वो दोनों मैथड का ही पता होना चाहिए लेकिन बार उसको हम देख लेंगे. की कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन रिगार्डिंग दी ऑफ द मिक्स मेथड रिसर्च के हिसाब से क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जिसके अंदर वेरी माइनर थिंग्स इसमें जो लाइक
सिंबल्स किस तरह से यूज़ होते हैं, और सिंबल का मतलब है कि कॉल लिखना है या कौन लिखना है, और कैपिटल में लिखना है या कैपिटल में नहीं लिखना है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल है, एरो बताना है, प्लस माइनस है. तो दिस इज़ एक्चुअली द मिक्स मेथड रिसर्च की ये उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स में या उसकी सिम्बोलॉजी के अंदर वो शामिल है. तो स्टेप्स इन कंडक्टिंग अ मिक्स मेथड स्टडी के क्या स्टेप्स होंगे, पहले क्या किया जाता है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, इसको भी थोड़ा सा ब्रश अप हम करेंगे, ओवरव्यू है. फिर एवेलुएटिंग अ मिक्स मेथड स्टडी के अंदर के किस तरह से एवेलुएट करते हैं, और उसका फिर एक एग्जांपल भी दूंगा जो मेरी अपनी इवेलुएशन अगर ज़रा सी है, बट दैट्स नॉट अप टू के कोई हाई स्टैंडर्ड की इवेलुएशन है, सिर्फ आपको एक एग्जांपल को इलैबोरेट करने के लिए कि इस तरह की ही चीज़ें की जाती हैं और जो बड़ी आसानी से वो उसको हम इवेलुएट भी कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट स्लाइड इज लाइक द मिक्स मेथड रिसर्च जो है लाइक इज अ प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग एनालाइजिंग एंड मिक्सिंग बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च. अगेन नॉट द इंटेंडेड सीक्वेंस ऑफ क्वांटिटेटिव फर्स्ट एंड क्वालिटेटिव, इट डजंट मीन एनीथिंग, इट जस्ट द वे दे हैव बीन रिटन. अगेन सो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च की जो कलेक्शन और फिर की एनालिसिस एंड मिक्सिंग बोथ ऑफ दम इन अ सिंगल स्टडी टू अंडरस्टैंड अ रिसर्च प्रॉब्लम. तो दिस इज द रीजन एक्चुअली बिजनेस मैनेजमेंट में किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को समझने के लिए या उसका सोल्यूशन आइडेंटिफाई करने के लिए आजकल जो ज़्यादा सहारा लिया जा रहा है, और उसमें ट्रेंड नहीं है बल्कि ज़्यादा सहारा ये लिया जा रहा है कि शायद प्रॉब्लम को अगर डिफरेंट परस्पेक्टिव डिफरेंट एंगल से देखा जाए तो उसमें हो सकता है कोई बात एलैबोरेटिव आ जाए. इसके अंदर से फॉर एग्जाम्पल अगर क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं और उसके अंदर जो है वो एथनो जो है वो अगर या बैकग्राउंड रिसर्च करते हैं या उसके अंदर जो है वो डीप रूट में काम करते जाके या लोगों के जहनों में क्या अगर चल रहा है उसको हम अगर इलिसिट करें तो लाइक वो लेकर आए और उसके बाद वो रिसर्च प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, या रिसर्च प्रॉब्लम का जो मेन जो फोकस है वो रिसर्च प्रॉब्लम या उसका जो एग्जिस्टेंस है या उसका जो है वो एपिसेंटर है वो कहाँ से है. तो समटाइम्स वो डिस्कशन से वो दूर होता है, वो नॉट बिकॉज ऑफ सर्वे से सिंपल सर्वे कर लिया उससे दूर होगा, तो डेफिनेटली वो डिस्कशन या दूसरी चीज़ों के साथ उसका जो है वो ज़्यादा एंगल सामने आएगा. तो दैट्स वाई इसकी जो किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझने के लिए दोनों मेथड और फिर दोनों मेथड के साथ उनका मिक्सचर इंटीग्रेशन और वो पर्सपेक्टिव एक दूसरे की जो सर्चेज या फाइंड है उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए मिक्स मेथड का आमतौर पर इलाज किया गया. ये इस जाहिर है इसकी हिस्ट्री वेरी ऑब्वियस और बिजनेस मैनेजमेंट में तो अब है, लेकिन हिस्ट्री एक्चुअली मेडिसिन से स्टार्ट हुई. तो मेडिसिन के अंदर अगर जो ऑब्वियस चीज़ें सामने नज़र आ रही थी और फिर ऑफकोर्स विद द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी जो ऑब्वियस चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी तो उसको फिर क्वालिटेटिव मेथड से और क्वांटिटेटिव मेथड से दोनों को फिर वो मालूम करके फिर सही एक रूट जो प्रॉब्लम है या रूट कॉज को उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो इसमें मेडिसिन के अंदर ज़्यादा अप्लाइड फ्रेमवर्क जो है वो मिक्स मेथड रिसर्च का ही रहा है. फिर उसके आहिस्ता आहिस्ता वो दूसरी फील्ड में अप्लाई होना शुरू हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फिर दूसरी जगहों पर भी वो उसको अप्लाई करना शुरू किया. जगहों का मतलब जियोग्राफिक रीजन्स में, और अभी पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश अभी नहीं हुआ हुआ है, लेकिन लोग इसे जो है उस पर अभी मिक्स मेथड के अंदर मेडिसिन के अंदर तो वो ज़रूर करते हैं क्योंकि पब्लिकेशन जो है वो बाहर जाती, लेकिन उसमें भी वो आमतौर पर कोलैबोरेशन विद फॉरेन ऑथर्स, अदरवाइज पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा बिजनेस स्टडीज़ नहीं. और माशाल्लाह आप में से ही चंद लोग जो है दे मे कम फॉरवर्ड एंड ट्राई टू डू सम वर्क ऑन इट, या ऑलरेडी वो कर चुके होंगे तो मे बी दे वुड लाइक टू ब्रश अप देयर ओन कॉन्सेप्ट्स. सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग. सो इसी तरह से तो यूटिलाइज दिस डिज़ाइन इफेक्टिवली वी मस्ट अंडरस्टैंड बोथ क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च. और ये दोनों चीज़ों को समझने के लिए भी ज़ाहिर है हमें जिस तरह मैंने पहले ही बताया कि इसमें फिलोसॉफिकल अप्रोचेस क्या हैं और लाइक इसमें हमारा स्टैंस पर्सपेक्टिव क्या है कि हम किस फिलॉसफी से इसको एक्चुअली वो आमतौर पे हम डिफाइन करते हैं. जो डेफिनेशन ऊपर अगर दी हुई है और उसके अंदर उसको डिफाइन किया हुआ है तो आमतौर पर यूजली द गुरु ऑफ मिक्स मेथड रिसर्च जो है वो जॉन डब्ल्यू क्रेसवेल, और वो आमतौर पर उनकी किताबें और उनके ही आर्टिकल या बहुत अरसे से इज बिन राइटिंग, लेकिन उनसे पहले और भी दूसरे लोग काम करते रहे हैं जिसको वो एक्नॉलेज भी करते हैं. और क्रेसवेल का आमतौर पे एप्लीकेशन ही इज़ मेडिसिन बाय डॉक्टर, लाइक ही इज़ अ डॉक्टर बाय मेडिसिन जो बाय प्रोफेशन, और उसके बाद मेडिसिन डॉक्टर है, लेकिन इनका पर्सपेक्टिव अब वो मैनेजमेंट की साइड पर हैं. ही एक्चुअली ही इज़ द एडिटर ऑफ द जर्नल मिक्स मेथड रिसर्च MMRJ और या JMMR, वो सॉरी मेरे ख्याल है MMRJ है मुझे अगर सही तरह से याद. तो
वो मिक्स मेथड रिसर्च जर्नल जो है वो उसके एडिटर भी हैं, और वो अब ज़्यादातर जो है वो मेडिसिन के अलावा भी वो बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर ज़्यादा इंकरेज करते हैं आजकल, और जॉन डब्ल्यू क्रेसवेल के, और इसके साथ दूसरे जो ऑथर्स हैं वो देयर अदर पीपल, जिसमें वन ईरानियन फेलो इज अ तशक्कुरी इज देयर एंड अब हैज बीन शी हैज बीन सॉरी ही हैज बीन वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और दूसरे और टाइटल देयर इज अनदर वन ऑथर एंड प्लस the other authors which has they have worked very well. तो उनकी कुछ हैं qualitative, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एलन ब्राइमन एंड एम बेल, उनका काम बहुत अच्छा है और आमतौर पर मिक्स मैथड पे नहीं, लेकिन उनका जो क्वालिटेटिव रिसर्च या रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर एक्चुअली उनका ज़्यादा काम है, तो ज़्यादातर लोग उनके ही काम को लेके फिर वो जो है वो क्वालिटेटिव के अंदर वो एस्पेक्ट या जो भी वो चीज़ ढूंढते हैं. लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगा और वो समझने के लिए भी, और जिसमें स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से, मेरा पर्सपेक्टिव नहीं, मेरी अपने अंडरस्टैंडिंग, मेरी इंटरप्रिटेशन माइट बी अ लिटिल डिविएटेड टुवर्ड्स समथिंग एल्स, बट लेट मी से इट ओवर हियर कि जो न्यूट्रल अप्रोच है और जिसमें आप लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद बात नज़र आती है वो ये है कि चीज़ों को बहुत सिंपल और किस तरह से ज़्यादा एब्जॉर्बिंग अगर बनाया हुआ है, तो वो क्रेसवेल की बुक्स में बहुत आसानी से उन्होंने काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ, और एक्सप्लेन करने के लिए क्योंकि उसके दो पर्सपेक्टिव हैं, एक तो क्रेसवेल ने जब ये काम करना शुरू किया तो आमतौर पर लोगों को समझ नहीं थी, पर क्रेसवेल ने अपनी वे ऑफ राइटिंग की वजह से इसको ज़्यादा पॉपुलर बनाया कि वो ज़्यादा लोगों ने इसको एब्जॉर्ब भी किया, ज़्यादा लोगों ने उसको अडेप्ट भी किया, और उसके बाद ज़्यादा लोगों ने उसको जो है फॉलो करना शुरू किया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से जो है उसको उन्होंने दिया. फिर देन देर आर फ्यू ऑथर्स हु एक्चुअली गॉट अलोंग विद क्रेसवेल एंड विकी प्लानो एंड शी हैज़ बीन एसोसिएट प्रोफेसर एंड उसके बाद उनके भी किताबें बहुत अच्छी हैं और कोई रिसर्च के ऊपर, बेसिक रिसर्च के ऊपर भी बहुत अच्छी बुक्स हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो आमतौर पर हमारे करिकुलम में यहाँ नहीं होता, लेकिन अगर वो किसी को अगर चाहिए भी होगी तो दैट आई कैन मेक इट अवेलेबल, दैट्स अ वंडरफुल बुक. और तो कहने का मतलब है आप लोगों को जो किताबें जो बुक्स एक्चुअली जो आई मेक इट अवेलेबल, और वो आमतौर पर वो जो हैं वो दूसरी बुक्स भी हैं, लेकिन क्रेसवेल की आई सिलेक्टेड द बुक जो हमें समझने में और प्रैक्टिकली करने में हमें ज़्यादा मदद देगा. तो इस वजह से क्रेसवेल की बुक्स को मैंने सामने रखा हुआ है कि क्वालिटेटिव इंक्वायरी के लिए भी क्रेसवेल की किताब को, और जो है वो विद वन ऑफ द ऑथर्स वो आगे खैर उसका वो आएगा. और फिर उसके बाद क्रेसवेल की किताब जो है वो एक जो सिर्फ मिक्स मेथड रिसर्च के विकी प्लानों के साथ है, तो वो किताब भी मैंने जो है अडाप्ट की, और उसके बाद वो आप लोगों के लिए जो आपके लिए मैं अवेलेबल करूँगा, ताकि जो एक अथॉरिटी है सब्जेक्ट के ऊपर उनकी अगर हम किताब पढ़ेंगे तो आई थिंक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली भी रहेंगे, और आमतौर पर उनको साइट करने में भी आसानी होगी, क्योंकि यही किताब सबसे ज़्यादा यही किताबें आमतौर बुक्स जो हैं वो ज़्यादातर साइट होती हैं, जब कभी भी आपने कोई एंगल या कोई पर्सपेक्टिव उसका अगर डिस्कस करना हो अपने मेथडोलॉजी के अंदर या कहीं पर भी. सो दैट्स द पर्सपेक्टिव के इसके अंदर जो वी मस्ट अंडरस्टैंड द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, और इसके अंदर फिलोसॉफिकल अप्रोचेज, अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ स्लाइड, उसके अंदर फिलोसॉफिकल अप्रोच और दूसरी चीज़ों के साथ ही वो सारा उसमें एक्सप्लेनेशन होगी. तो लेट्स टॉक अबाउट द क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसमें ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं, लेकिन आप लोग माशाल्लाह यू कैन वेल अंडरस्टैंड दैट बिकॉज सिंस यू हैव बीन थ्रू द रिगर ऑफ योर लाइक graduation in terms of your MBA or in terms of maybe you are at the level of the MPhil now, so definitely wo rigor se aap guzar chuke hain, but I'll just try to go through again a type of educational research in which the research decides what to study, ask specific narrow questions, find, collect quantifiable data from participants. Again, that's a Creswell point of view. There is no harm in reading from a person jo jinka perspective thoda sa elaborated hai. A large number of participants, that means usually the sample size is more or greater. ये उन्होंने identify just because के qualitative में जा रहे हैं उसको वो अगर identify करेंगे तो वो less number of participants. Analyzes these numbers using statistics and conducts the inquiry in an unbiased objective manner. Yes, that's very simple, good words, but ultimately is more of the narrow questions. Collects quantifiable data, that means the data वो जो actually quantify कर किया जा सके और participants, और usually the number of participants are larger. This is his perspective, but this is a good, simple perspective. और इसके अंदर आम तौर पे जो research है, ये philosophical perspective है, that's a post-positivism.
पोस्ट पॉजिटिविज्म, अब इसकी हिस्ट्री के अंदर जब जगह आएगी तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये है कि पोस्ट पॉजिटिविज्म का पर्सपेक्टिव ये है कि सिंगुलर रियलिटी, यानी कि वो जो भी रियलिटी वो सामने है उसके डिफरेंट शक्लें नहीं होती, देर इज़ अ वन हिडन एस्पेक्ट, और उसको हम सामने लाने के लिए इस सिंगुलर रियलिटी, और दैट रियलिटी इज ऑलवेज ऑब्जेक्टिव, एंड ऑब्जेक्टिव में डिडक्टिव है। डिडक्टिव का मतलब है कि यू सी टू दैट रियलिटी एंड देन यू ट्राई टू इंटरप्रेट, एंड देन यू ट्राई टू गेट द नॉलेज और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट एंड ट्राई टू इंटरप्रेट एंड कन्वर्ट इट इनटू नॉलेज। सो दैट्स अ डिडक्टिव जो है वो पार्ट है कि डेटा इज ऑलवेज देयर, और ऑफकोर्स विद अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन के वो डेटा के बाद जो है वो फिर आप वहाँ से एसिमिलेट करते हैं और वहाँ से फिर ट्राई टू gather the information and convert it into knowledge ke what actually we have deduced from the available data or the quantifiable data from the participant. So that's the, usually it falls into the domain ya purview of the post-positivism. Post-positivism mein kya hai ke everything is objective, subjectivity ki gunjaish zara kam hai, और सब्जेक्टिविटी की गुंजाइश ज़रा कम है, तो वो अनबायस्ड, इसलिए अनबायस्ड का लफ्ज़ है कि इसके अंदर किसी एक का अपना फ़ायदा नहीं सोचा गया। फ़ायदा का मतलब है कि वो टिल्टेड नहीं है किसी एक के बेनिफिट के लिए, और वो जो चीज़ जैसे रियलिटी स्लाइड खत्म कर लें तो मेरी एक रिक्वेस्ट है जी प्लीज़, वो उसको सिंगुलर रियलिटी और वो ऑब्जेक्टिव वो और जो है वो उसको डिफाइन फॉर्म करते हैं जी। अब बताइए हसीन साहब जी। सर एक रिक्वेस्ट है कि बस अब दो छः मिनट में मगरिब की नमाज हो जाएगी, जब ये टाइम रख रहे तो हमने आपको बताया था कि मगरिब के लिए वेट नहीं कर सकते, तो उसका ब्रेक चाहिए होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल होगा, नहीं आप कंटिन्यू करें, मेरे ख्याल में कुछ लड़कियां हैं कुछ लोग हैं जो कि फॉलो नहीं करेंगे, तो आप कंटिन्यू रखिएगा, हम रिकॉर्डिंग से देख लेंगे। दिस इज वन थिंग, थैंक यू वेरी मच। सेकेंडली ये जो आपने लास्ट टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की हैं, पोस्ट पॉजिटिविज्म, ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, इसको जरा सा रिवाइज कर देंगे तो हम शुक्रगुजार हैं। अच्छा देखें इसमें हसीन साहब एक चीज़ और देखें, याद रखिए एक बात, लेट मी क्लियर फ्रॉम द ऑनसेट, आई विल ऑलवेज ओपन द डोर, यू हैव टू वॉक थ्रू दैट डोर, ठीक है। एक बात जरा ये बहुत पर्सपेक्टिव, लेट मी क्लियर ऑन दिस, आई जस्ट से एंड एक्सप्लेन एंड लिटिल बिट इलैबोरेटेड, वंस यू गो थ्रू दैट आफ्टर व्हाट आई एम सेइंग, फिर माशाल्लाह आप आइएगा तो मैं उसको बहुत ज़्यादा फिर इसको डिस्कस भी हम कर लेंगे। तो लेट मी ट्राई टू ओपन द डोर फर्स्ट, यू वॉक थ्रू दैट डोर, बिल्कुल सही। Yeah, this is the usual procedure, this is how it works, or inshallah I'll come back and we'll throw more light on that. Ab raha namaz ka sawal, to bilkul sahi hai, aap sahi keh rahe hain. What I can do is ke hum usko, we can have a break and that's very fine, aur is waqt jo 6:49 hue hain, to do you think so, usually main break waise deta hu like 6:58 6:55 pe, aur uske baad 7:10 tak hota hai, to aap kya samajhte hain aap log ke main us time pe de dun ya abhi main break de dun, and we can come back at 7:05 7:05, will that be okay? सर मुझे अंदाजा नहीं, नमाज का अजान होगी तो हम डिवाइड कर लेंगे उसके 15-20 मिनट लगते हैं बस नमाज। सर अजान हो गई है मेरे ख्याल में, आप अभी देख लेते हैं तो हम 7:05 तक इंशाल्लाह ताला वापस आ चल। बिल्कुल सही है, आई थिंक वो ज्यादा मेरा वो आइडिया वो ज्यादा बेहतर, ठीक है, दैट्स ओके, थैंक यू वेरी मच, और लेट्स हैव अ ब्रेक। जल्दी वापस नहीं आ पाएंगे। अच्छा चले, अब फिर भी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप फिक्र ना करें। सर एक रिक्वेस्ट, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। सर सर काइंडली चैट एक्टिव कर दीजिए ताकि हम लोग को कुछ कहना हो तो विदाउट डिस्ट्रक्शन हम लोग चैट पे लिख दें तो आपको पता भी चल जाए। नहीं नहीं बहुत आसान है मेरे लिए, जब मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ तो वो चैट देखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि मेरी स्क्रीन पे नहीं आएगा। आपने बिल्कुल, यू कैन स्टे इन द मिडिल, और आई विल टेक अ ब्रेक और उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू, सी यू आफ्टर नमाज। ओके बहुत शुक्रिया सर, नमाज के बाद मिलते हैं। वेलकम, थैंक यू सर।